बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू इस्लामिक टीवी के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में सही मुस्लिम से एक हदीस पेश करूँगा जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा अमल बताया, एक ऐसी दुआ बताई कि जिस दुआ में पाँच चीज़ों का ज़िक्र किया गया, जो शख्स ये दुआ पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे पाँच बड़े इनाम अता फ़रमाएगा। तो वो पांच बड़े इनाम, वो पांच चीज़ें जो दुआ पढ़ने वाले को अता की जाएंगी। तो ये समाप्त करने से पहले छोटी सी गुजारिश करूँगा कि जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, सही मुस्लिम की हदीस में है, जब भी कोई शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होकर ईमान ले आता, कलमा पढ़ लेता, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नमाज पढ़ना सिखाते, फिर ये दुआ पढ़ने की तलकीन फरमाते, और इस दुआ में पांच चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगी गईं। तो दोस्तों, ये छोटी सी दुआ हर मुसलमान को ज़रूर आनी चाहिए और कसरत के साथ इसे इस दुआ को पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, वो दुआ समाअत फरमा लें। अल्लाहुम्मा ग़फिर ली, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, वरहमनी और मुझ पर रहम फरमा, वहदिनी और मुझे हिदायत अता कर, वाफिनी और मुझे आफ़ियत अता फरमा, वरजुकनी और मुझे रिज़्क़ अता फरमा। या अल्लाह हमें इस दुआ की बरकतें अता फरमा। आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम।